आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सोमवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार होगी। पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश रच रही है। इस साजिश का संचालन सीधे पीएमओ से हो रहा है। राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर केजरीवाल पर हमले की धमकी लिखी गई है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर ऐसे हमले की साजिश है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। पटेल नगर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लिखकर धमकी दी जा रही है। साथ ही कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत करती है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है। मैं चुनाव आयोग शासन और प्रशासन को सबको बताना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो उसके लिए भाजपा और प्रधानमंत्री कार्यालय जिम्मेदार होंगे। जेल में भी 23 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को खुले में धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता विधायक सांसद चुनाव आयोग को पत्र भी लिख रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो भाजपा जिम्मेदार होगी। 19 मई को हमला करने और मारने की धमकी दी गई, ये भाजपा की ही भाषा है। चुनाव आयोग तत्काल इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। डीसीपी मेट्रो के मुताबिक कल यानी 19 को ये धमकियां मेट्रो के अंदर लिखी गई थी। जांच की जा रही है ये किसने लिखा है। मेट्रो के अंदर सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन होर्डिंग पर भी आपत्तिजनक कोटेशन लिखा गया। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि राजीव चौक पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और कई मेट्रो ट्रेन के अंदर जान से मारने की धमकी लिखी गई है। ये सभी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। यहाँ पुलिस और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद एक शख्स यहाँ धमकी लिखकर चला जाता है और अब उसे कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। इस व्यक्ति ने सभी धमकियाँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की हैं। अब कहाँ गई दिल्ली पुलिस और उनका साइबर सेल। मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यही दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के फर्जी आरोपों पर सुपर एक्टिव हो जाती है और अब कुछ नहीं दिखा रही है।